कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव 2019 की जंग से पीछे क्यों हटी, इसकी वजह का खुलासा हो गया है। ये खुद प्रियंका गांधी ने बताया कि वो यूपी की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ क्यों नहीं चुनाव लड़ी। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा कि मेरे कंधों पर उत्तर प्रदेश में प्रचार करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा एक नहीं 41 सीटों पर पार्टी को जिताने का जिम्मा है उन पर। प्रियंका ने कहा एक स्थान पर रहकर ऐसा संभव नहीं था। आपको बता दें कि 28 मार्च को रायबरेली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए वो प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान प्रियंका गांधी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की मांग की थी। इस पर उन्होंने पलटकर कार्यकर्ताओं से ही पूछ लिया कि वाराणसी से चुनाव लड़ूं क्या। दरअसल प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव लड़ने की बात अनौपचारिक थी। प्रियंका के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि प्रियंका वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस प्रवक्ता और एमएलसी दीपक सिंह ने भी दावा किया था कि प्रियंका गांधी का वाराणसी से चुनाव लड़ना लगभग तय है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक सिंह ने कहा था कि एक दो दिन में बनारस से नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इन चर्चाओं के बीच प्रियंका लगातार कहती रही कि वो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बस पार्टी की हां का इंतजार है। प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा था कि वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है पूरी तरह प्रियंका, उन्हें अब बस पार्टी की हां का इंतजार है। वाराणसी लोकसभा सीट देश की सबसे वीवीआईपी सीटों में से एक है। यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जीतकर संसद पहुँचे थे। पीएम नरेंद्र मोदी अब 2019 में इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर उस वक्त विराम लग गया जब 25 अप्रैल को कांग्रेस ने अजय राय को इस सीट से प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने इससे पहले 2014 में भी अजय राय को प्रत्याशी बनाया था, तब उनकी जमानत जब्त हो गई थी। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।